नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमेश टावर में। आज हम रेनॉल्ड की क्विट RX 1.0 BS6 के बारे में बात करेंगे। इनके अब अपडेटेड फीचर्स, माइलेज, प्राइस, इंजन कैपेसिटी एंड ऑल डिटेल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात करें तो ये इसकी प्राइस जो है ऑन रोड 5,98,000 रुपये है। और इसका कलर जो है यह अभी वाइट कलर में है, लेकिन कलर जो है आपको और मिल जाएंगे। ये भी ये रेड कलर में है, मतलब और भी कलर जो है मिल जाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करें तो सबसे पहले रेनॉल्ट का प्यारा सा लोगो लगा हुआ है। फिर इसके साइड पे में आए तो LED प्लस हाइलोजन के साथ आपको मिलते हैं हेडलैम्प जो है, हाइलोजन प्लस LED दिया हुआ है। साथ ही साथ हाई क्वालिटी के इंडिकेटर भी लगे हुए हैं। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें दोस्तों तो 184 मतलब 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसमें। इसी टायर नंबर की बात करें तो 165/70R14 नंबर के टायर मिल जाते हैं। अपोलो का टायर लगा हुआ है, अभी ब्लैक कलर के व्हील के साथ मिलती है। साइड इंडिकेटर जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो जो है यहाँ पर दिया हुआ है, जो काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। वाइपर वॉशर मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो है एक ही वाइपर वॉशर मिलता है। एंटीना लगा हुआ है, ब्लैक कलर के ORVM मिल जाते हैं, ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ। इसमें स्पॉइलर नहीं लगा हुआ है, कि यहाँ पर एक अच्छा कट बना दिया है जिससे इसके लुक्स जो है और एनहेंस हो रहा है। पेट्रोल गाड़ी है, 28 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन जो है 37-31 की लेंथ मिल जाती है, और विथ जो है 15-79 का विथ है, और 14-90 का हाइट है। अब हम इसी बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट स्पेस को आप जो है यहाँ से खोल सकते हैं। ये दिया हुआ है ये वाला, ये इसको दबाएंगे खुल जाएगा, और ये वाला जो है करेंगे तो ये पेट्रोल टैंक का खुल जाएगा, पेट्रोल टैंक मतलब खुल जाएगा। अब चलिए हम इसे बूट स्पेस बात कर लेते हैं। पार्सल ट्रे के साथ मिलता है ऑफर, मतलब पार्सल ट्रे के साथ ऑफर होता है। इसकी वुड स्पेस जो है 279 लीटर का वुड स्पेस है, लेकिन आप जो है इसका वुड स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये रेयर वाला सीट जो है फोल्ड करके, वुड स्पेस रेयर वाला सीट फोल्ड करने के बाद 620 लीटर का वुड स्पेस हो जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा वुड स्पेस जो है सीट फोल्ड हो जाने के बाद हो जाता है। रियर प्रोफाइल जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है रेनॉल्ट की ब्रांडिंग है, क्विड लिखा हुआ है, और टिल लैंप जो काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले की तुलना में। इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट सभी दिया हुआ है। ये नंबर प्लेट के लिए जो जगह दी गई है, और बैक पार्किंग सेंसर लगा हुआ है इसमें, यहाँ लगा हुआ बैक पार्किंग सेंसर, एक दो तीन, मतलब तीन जगह जो है बैक पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं। रियर में जो है ड्रम मिल जाता है, और आगे भी जो है डिप्स ब्रेक मिल जाती है। यहाँ बात कर लें तो गेट जो है ज़्यादा हैवी नहीं है, वेट नहीं है इसका। पावर विंडो कंट्रोलर मैनुअल दिया गया है, इसे क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, मतलब ये लॉकर है इसका। ये हैंडल दिया हुआ है क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए, इसको अप करने के लिए, डाउन करने के लिए। यहाँ से काफ़ी स्पेस मिल जाता है। अगर आप 6 फीट के हैं थोड़ी तो आपको परेशानी हो सकती है, मतलब नहीं तो काफ़ी स्पेस है, तो इसमें सर ये आराम से टिक के बैठ सकते हैं। ये दिया हुआ है, और ये सीट बेल्ट है, इसमें हैंडल लगा हुआ है दो जगह पर, यहाँ और एक यहाँ रियर सीट में। ये रहा इसका फ्रंट का व्यू, अभी हम आगे चलकर और विस्तार से जानते हैं। चल दिया हुआ है, काफ़ी स्पेस यहाँ पर मिल जाता है गेट में, इसे क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये लॉकर दिया हुआ है, और ये जो है कंट्रोलर दिया गया है, ये ORVM कंट्रोल करने के लिए ये दिया गया है, अगर यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक कंट्रोल नहीं दिया गया है इसमें, यहाँ से मैनुअल है, इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं वो आरबीएम को। सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं, सीट जो है एडजस्टेबल है, यहाँ पर फिर आप आगे बोनट खोल सकते हैं। एक्सीलेटर ब्रेक क्लच दिया गया है, यहाँ पर एसी लगा हुआ है, यहाँ पर भी एसी लगा हुआ है। चलिए यहाँ पर बैठ लेते हैं फिर और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसे हैंड ब्रेक दिया गया है, हैंड ब्रेक कर सकते हैं, 5 गियर के साथ ऑफर होती है। तो सीधे सीधे जो है आप लगा सकते हैं, एक ये ऐसे ऐसे गियर लगा सकते हैं, ये 5, और इसका रिवर्स जो है यहाँ पर दिया गया है, सामने दिया गया है रिवर्स ऐसे दिया है। यहाँ पर कुछ काफ़ी स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर भी स्पेस, यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, ये एसी कंट्रोलर का दिया गया है, यहाँ से एसी अप डाउन कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, धीम कर सकते हैं। ये हीटर का दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है। ब्लूटूथ के साथ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है इसमें, एसी है इसमें, यहाँ से भी एसी दिया हुआ है, ये कंट्रोल कर सकते हैं। ओआरबीएम कंट्रोलर यहाँ पर है, यहाँ पर भी एसी है, इसे खोल सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर क्विड की ब्रांडिंग है, ब्लैक वाइट प्लस ब्लैक की फिनिशिंग के साथ ऑफर होती है। डिजिटल मीटर की बात करें तो यहाँ पर जो है डिजिटल मीटर के साथ ऑफर होती है। गाड़ी की कुछ अलर्ट दिए गए हैं, एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ऑफर होती है। यहाँ पर आरपीएम मीटर है, यहाँ पर डिजिटल मीटर में कितने किलोमीटर चल चुकी है, माइलेज कितना देगी, अभी आगे कितने किलोमीटर चलेगी, ये सब मतलब बताती है। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके इंजन की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये रेनॉल्ट का ट्राई एंड टेस्टेड 3 सिलेंडर विद 999 cc का इंजन है, तो 68 PS का पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसकी माइलेज की बात करें तो माइलेज जो है 22 की देती है ऑन रोड। साइड की बैटरी लगी हुई है, ये पूरा इंजन का सिस्टम है, बिल्कुल सिंपल करके दिया हुआ है पहले की तुलना में। और वहीं प्राइस की फिर बात करें तो 5,98,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है यहाँ अनूपपुर शोरूम में। शोरूम की पता बात करें तो यहाँ अनूपपुर में जयतहरी रोड TVS शोरूम के सामने है। और आपको अधिक जानकारी के लिए हम स्क्रीन पर नंबर दे देंगे, आप जो है नंबर पर संपर्क करके और अधिक गाड़ियों के बारे में जान सकते हैं।